हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब विधानसभा में विधेयक लाएगी। इससे जुड़े अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार ने राज्यपाल से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मानसून सत्र को दोबारा से बुलाने पर सहमति बनी है। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पिछले सत्र को दोबारा से चलाने के लिए कहा जाएगा। उनसे चर्चा के बाद सत्र को दोबारा शुरू करने की तिथि निश्चित की जाएगी। 3 या 10 नवंबर के बाद सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकती है। सरकार अपना राज्य जल प्राधिकरण बनाएगी। अभी तक केंद्रीय जल प्राधिकरण के निर्णय ही मान्य होते हैं। मंत्रिमंडल ने अपना प्राधिकरण बनाने को मंजूरी दे दी है। देश में 8 राज्य अपना जल प्राधिकरण बना चुके हैं। निजी क्षेत्र में 75% रोजगार युवाओं को देने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी। मंत्रिमंडल में इसका निर्णय लिया गया था। अध्यादेश मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। सरकार ने हस्ताक्षर करने का आग्रह भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। अब सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में विधानसभा में विधेयक लाने का निर्णय लिया है, जिसे सदन में चर्चा के बाद पारित कराकर कानून बनाया जाएगा। वहीं सरकार ने पंचकुला में सीटीयू बसों को कर मुक्त करने का निर्णय लिया है। इन बसों से अब कोई कर पंचकुला आने पर नहीं लिया जाएगा, जिससे किराए में भी कमी आने की उम्मीद है। अब आपको यहाँ यह भी जानना चाहिए कि बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा बिजली वितरण निगम की रिपोर्ट पेश की गई है। उदय योजना के समय कुछ शर्तें लगाई गई थी, इनमें बदलाव किया गया है। 8,670 करोड़ रुपए की बचत पिछले 5 साल में बचत हुई है। 4525 गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यह हरियाणा का अब तक का इतिहास है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 700 करोड़ का लोन लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने गारंटी दी है। 55 करोड़ रुपए रोहतक के मेगा फूड प्रोजेक्ट के लिए कर्ज की गारंटी दी। शिक्षक तबादला निधि में बदलाव को मंजूरी दी गई। अविवाहित और विधवा महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से हाउसिंग विभाग का नाम रखने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इसमें अब हाउसिंग से जुड़ी सभी योजनाएं शामिल की जाएंगी। MSME को और मजबूत करने के लिए इसके काम को 3 जगह बांटा गया है। बड़ौदा के जनता कॉलेज बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एजेंडे को अब आचार संहिता के चलते वापस लिया गया। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU की बसेस पंचकुला में जो आती थी ट्राई सिटी के नाते से वो चलती हैं, तो उनका अभी तक जो हरियाणा की टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब हमने CTU की बसों का पंचकुला के अंदर चलेंगी उनका टैक्स फ्री कर दिया है। उनसे टैक्स हम लोग नहीं लेंगे। इसी प्रकार हरियाणा की यदि बसें कोई चंडीगढ़ में जाएंगी तो चंडीगढ़ के लिए लोग भी नहीं लेंगे। बायलैटरल ये एक समझौता हमारा उनके साथ हो जाएगा। इस खास करके मेरा गांव हमारा गांव जगमग गांव उसके कारण से भी बहुत बड़ा जो लॉस है हमारा कम हुआ है, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने की जो बात हमने कही थी 4525 गाँव में, और हमने बिजली 24 घंटे देनी शुरू कर दी है आउट ऑफ 6700। अभी हाउसिंग डिपार्टमेंट एक छोटा डिपार्टमेंट था और मोटे तौर पर हाउसिंग बोर्ड ही उसके अंतर्गत जो काम करता था उससे ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब हमने प्रधानमंत्री जी ने जो हाउसिंग फॉर ऑल की बात कही तो हमने भी उस डिपार्टमेंट का नाम हाउसिंग फॉर ऑल कर दिया है, सभी के लिए आवास विभाग। अब इसके अंतर्गत कोई भी परिवार जिसके सिर पर छत नहीं है ऐसे सबको चिन्हित किया जाएगा। क्योंकि इस सेशन को आखिर साइंडा वो है तो हमने एक बार बुला के इसको बंद तो करना ही है, यानी स्पीकर साहब की जिम्मेवारी होती है कि भी कुछ समय के बाद, जैसे सेंटर में लोकसभा भी होता है तो वहाँ कई बार महीना महीना मानसून के दिनों में उसको छुट्टी करते हैं, महीने बाद फिर बुला लेते हैं। तो ऐसा ही बीच में एक पीरियड था जिसके कारण से कोरोना के कारण से ये किया गया था और कोई कारण नहीं था, और एक समय बुला के चाहे वो थोड़े समय के लिए बुलाएं उसको अनिश्चित काल के लिए तो करना ही पड़ेगा, बाद में करना ही पड़ेगा ना उसको बंद, फिर नया सेशन बुलाया जाएगा। अभी तो सेशन इन कंटिन्यूएशन है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.